ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं पारुल सिंह। रुक करती हूँ कुछ खास खबरों पर। खबर बाराबंकी से है, जहाँ लाखों की लागत वाले इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में ग्रामीण ने खेत की पीली मिट्टी और पीली ईंटों का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक सूरतगंज क्षेत्र की रंजीतपुर ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग कार्य में जमकर धांधले किए जाने का आरोप लगा है। करीब 200 मीटर से अधिक इंटरलॉकिंग में खेत की पीली मिट्टी और पीली ईंटों से बॉक्सिंग की जा रही है, जबकि मजबूती के लिए अव्वल ईंट से बॉक्सिंग बनानी चाहिए थी। क्या नाम भैया, किस गांव से हैं? रंजीतपुर। कौन सा ब्लॉक है? सूरतगंज। क्या मामला है? मामला है, हमारे गांव में इंटरलॉकिंग लग रही थी, खेत की पीली मिट्टी डरवा रहे थे। जब पूछा कि मतलब पीली मिट्टी एक इंटरलॉकिंग नहीं लगती, ईटा पीला, मतलब गुटका भी डाली है वो सब पीला ईटा लगा है। ये हमारे मतलब गाली गलौज धमकी देते हैं। कौन धमकी दे रहा? कन्ना शंकर प्रधान, रंजीतपुर। क्यों, क्या आप लोगों ने विरोध किया था? हम लोगों ने जब विरोध करें पूछने तो मतलब धमकी दीन, गाली गलौज दीन कि तुमको जान की मारने की धमकी दीन। सब इस प्रकरण में अभी तक उच्च अधिकारियों को आपने अवगत कराया? हम वीडियो साहब का फोन किया तो वीडियो बनवाए के डाला था। वीडियो साहब एक जांच चल रही नहीं करवाए, लौट के 3 बार फोन करके वीडियो साहब के मोबाइल पर वीडियो ही पड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई ही कोई सुना? आज डीएम कार्यालय आए हैं ज्ञापन देने। इस डीएम कार्यालय तब आने डीएम के, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। नहीं कोई कार्रवाई। क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव में इंटरलॉकिंग जो लग रही है, छोटे ब्रह्मचारी से महेश सिंह के घर तक, उसमें पीला ईंटा पीली मिट्टी खेत की डाली जा रही है, बालू नहीं डाली जा रही। इसलिए हमारा लड़का पहुंचा, विरोध भी किया, ये प्रधान जी क्या करा रहे, इसमें तो बालू पड़ती है। तो उसने बोला आप कौन होते हैं प्रधान, इस यहाँ के हम हैं कि आप हैं? तब उसने बोला कहीं से हम अभी इसकी जांच कराएंगे, तो उसने प्रधान जी ने लड़के को मारा भी है। उच्च अधिकारियों को शिकायत की ब्लॉक में? हाँ, शिकायत वीडियो साहब को की, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं वीडियो साहब। तो क्या नाम भैया, किस गांव से हैं? अगली खबर रायबरेली से है, जहां देर रात सुल्तानपुर जिले के चकबंदी विभाग के लेखपालों पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। बता दें कि गोली लेखपाल के पीठ पर लगी है, गंभीर हालत में परिजनों ने लेखपाल को जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र के रंजीतपुर लोनारी गाँव का है। कौन सा गाँव है? रंजीतपुर लोनारी। क्यों, कौन थाना लगता है? भदोखर। कितने बजे की बात है? 3 बजे लगभग, 3 बजे, 3 बजे के बाद। तो घर में घुस के गोली मारी क्या? जी। कोई पुरानी दुश्मनी या कोई वो था? हाँ, चुनावी रंजिश है, होलिका दहन के एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, यही सब कारणों से उनके हौसले बुलंद हैं। क्या करते हैं आप? आप क्या करते हैं? हम प्रधानपति। प्रधानपति? मेरी पत्नी प्रधान। अच्छा, मैं गाँव जी वर्तमान ग्राम प्रधान। परिचय दे दीजिए, कोई गन शॉट आया क्या है? डॉक्टर एस के सिंह, EMO जिला अस्पताल रायबरेली। एक दिनेश कुमार नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, भदोखर थाना की पुलिस लेकर आई थी। बाकी एक जामीन करने पर उसके पीछे पीठ पे उसको गोली लगी, फायर आर्म इंजरी है। बाकी उसको फर्स्ट एड करके उसको ट्रीटमेंट करके उसको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है उसका। ये रंजीतपुर लोनाली का रहने वाला, थाना भदोखर का रहने वाला है। ये कहाँ पे लगी हुई गोली सर? उसके पीछे पीठ पे लगी हुई। कितने बजे आए थे? ये करीब लगभग 3 से 4 के बीच में आए थे। कौन सा गांव है? अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सवारियों की गाड़ी में बैठकर उनके साथ लूटपाट करने वाले गिरोह के 5 शातिर सदस्य गिरफ्तार पकड़े गए हैं। वहीं बदमाशों के पास से पुलिस ने 1,39,000 रुपए नगदी, सोने चांदी के आभूषण, 3 तमंचे, 2 चाकू इस्तेमाल की गई है। आरोपी को आपराधिक इतिहास थाना डिबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डिबई थाना क्षेत्र से सर यात्री विशाल लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ सर। किस तरह से लूटपाट करते थे, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया?
ये एक गिरोह पकड़ा गया है। ये लोग इनके द्वारा 20 नवंबर को एक महिला को डिबई क्षेत्र में भीमपुर दौराहे पर इको गाड़ी में सवारी के रूप में बैठाया गया और उसमें से पहले से ही ये अपने साथ अपने परिवार की महिलाओं को लेकर चलते हैं और उन्हें सवारी के रूप में बता देते हैं कि ये साथ में हमारे सवारी चल रही है और उन्हें बदायूं ले जाने के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया और कुछ दूर आगे ले जाके ये कह के उतार दिया कि आगे चेकिंग चल रही है, अभी हम आते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उन लोगों ने देखा जो सवारी उतारी गई थी कि उनके अटैची का लॉक टूटा हुआ है और उसमें से जो कीमती सामान है, जेवर है, पैसा है, वो निकाल लिया गया है। इस पर पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू की और तफ्तीश के दौरान ये ज्ञात हुआ कि ये पूरा गैंग महिला और पुरुष मिलकर सभी लोग करते हैं और इसमें सवारी को रास्ते में देखते हैं भीमपुर दौराहा जैसे डिबई में है, इस टाइप के जो भी महत्वपूर्ण चौराहे हैं जहाँ से कहीं के लिए गाड़ी पकड़ी जाती है, प्राइवेट वाहन पकड़े जाते हैं, उनको बैठाना, बैठाने के बाद उनको बातों में उलझा लेना और लोग अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी गाड़ी, उनके जो सूटकेस वगैरह है या बैग है उसको नीचे से काट देना या लॉक को तोड़ देना, इस तरह से करके वो कीमती सामान निकाल लेते हैं और सवारी को तब पता लगता है जब वो उतर कर जाने लगते हैं या अपने घर चले जाते हैं, उसी बीच ये गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। तो कुल 5 पुरुष और एक महिला की गिरफ्तारी इसमें की गई है और इसमें लगभग 1,40,000 रुपये और अन्य जेवर कीमती बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से 2 नाजायज तमंचे और चाकू आदि भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इसमें जांच पड़ताल और छानबीन की जा रही है और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और इसमें और जो पकड़े गए हैं 4 सदस्य ऐसे भी हैं जिनके आपराधिक इतिहास की छानबीन और जानकारी की जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है जहां जिले में यातायात माह की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यातायात माह को लेकर भले ही जिला प्रशासन द्वारा कई और तरीके के अभियान चलाए गए हैं मगर रोड एक्सीडेंट की बात की जाए तो इसमें बढ़ोतरी दिनों पर दिन होती जा रही है। नवंबर माह में अब तक लगभग रोड एक्सीडेंट में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। मामला कल्पी कोतवाली क्षेत्र के टननगंज इलाके का है जहां कोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार और नगर पालिका टीम की मौजूदगी में गैस चूल्हे की 2 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। अगली खबर मथुरा से है जहां भूतेश्वर स्थित बद्रीनाथ मंदिर पर एक स्थानीय मीडिया चैनल पर जबरन कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। ये आरोप और किसी ने नहीं कथित तौर पर मंदिर के परंपरागत पुजारी ने लगाए हैं। युवक का आरोप है कि बद्रीनाथ मंदिर की पूजा पाठ पर मेरे बाबा राम साहेब और बाबा हरिहर ने की थी और खुद मैंने मंदिर की पूजा पाठ की है, इसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। आरोपी की मांग है कि उनका परिवार बद्रीनाथ मंदिर पर परंपरागत रूप से पूजा पाठ करता हुआ आया है और आगे भी पूजा करता रहे, इसके लिए वहां से अन्य लोगों को हटाया जाए। मेरा नाम गौरव तिवारी है और ये जो भूतेश्वर पर मंदिर है बद्रीनाथ जी का, मेरे जो पर बाबा थे यहाँ पुजारी थे और मेरे बाबा थे वो पुजारी थे यहाँ पर। कुछ समय पहले, आज से 2 महीने पहले इसमें टूट फूट हो गई तो हम गए थे वहाँ पर मंदिर पर, तो गए तो वहाँ पे अभी न्यूज वाले मिले तो हमने कहा था आप ऐसा कीजिए, हम पे सेवा पूजा थी, आप हमें सेवा पूजा दे दीजिए यहाँ की, हमारे बाबा पर बाबा हमने की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जब टाइम आएगा जब हम आपको बता देंगे, सेवा पूजा का जब आपका टाइम आएगा तो हमको बता देंगे, तो हमको लौटा दिया गया। फिर हम 2 दिन बाद गए, बोलो टाइम आएगा तो हम तुमको बता देंगे। पर कुल मिला के ये है वो ना ही हमें सेवा पूजा करने दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं आप कल आना परसों आना। हम यही चाहते हैं कि हमारे 40 साल तो हमारे पर बाबा को हो गई, 20 साल हमारे बाबा को हो गई, यहाँ पर बिजली के बिल हमारे नाम से है यहाँ पर और हमें रहते हमारे पर बाबा का मृत्यु प्रमाण पत्र है जो यहीं पे घोषित सरकार ने नगर पालिका की पर्ची हम पर यही बताया है कि इनका स्वर्गवास यहीं पर हुआ था बद्रीनाथ जी के मंदिर। सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, हमको हम जाते हैं हमको लौटा दिया जाता है वहाँ पे कि आप पूजा पाठ आपका जब समय आएगा जब हम बताएंगे। हम 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं सुबह शाम मंदिर, कभी सुबह खुलता है कभी नहीं खुलता है, कभी पूरे पूरे दिन बंद रहता है,
वो सुबह आते हैं अपना दिखाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं। उनका ऑफिस सटा हुआ है उसी मंदिर से। अब पता नहीं कभी कैमरे लगवाते हैं, कभी पेंट करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, हमें पता नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमें जो सेवा, हमें हमारी सेवा मिल जाए, हमारे बाबा पर बाबा जो करते आए हैं वो सेवा मिल जाए हमें। अगली खबर जालौन से है, जहां महिला नर्स के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। बता दें कि महिला नर्स ने ड्यूटी पर पीएचसी जाते समय रास्ते में मारपीट कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। महिला नर्स ने दो महिलाओं सहित चार लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पुलिस अवैध संबंधों के शक में दो पक्षों में मारपीट की घटना बताई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी महिला के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम बेटे जा रहे थे तो चार मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे कुछ आप जानती हैं? जानते। क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर, नीचे मिर्ची भरी है बहुत करके, हमारे पूरे कपड़े फाटे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े अपने। अच्छा, जिला अस्पताल आए हो किसी को लेके, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है सर कि मैं जिला अस्पताल इसलिए आया हूँ कि मैं इधर ओरई आया हुआ था, एड जा रहा था कुछ काम से, तो हमारे पास कुछ लोगों का फोन आया हमारे पास, तो बोले कि यहाँ पे तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं, तुम्हारे गाँव के भाभी हैं, ये यहाँ पे पड़ी हैं। तो मैं गया वहाँ से जाके देखा तो उनको यहाँ मैं लेके आया हूँ, मारा है उनको पूरे तरीके से। अच्छा, पूरी घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि सर उनको मारा है। अच्छा, ये जा रही थी ड्यूटी। अच्छा, एक पीड़ित महिला जो मुमता रातपुर थाना कानपुर देहात के रहने वाली है तथा तुर्की क्षेत्र में पीएचसी बावई में तैनात है, उसी के गांव की रहने वाली एक अन्य महिला के पति सुमित से अवैध संबंध के शक में कल सुमित ने अपनी पत्नी को मारा पीटा था। इसी बात को लेकर सुमित की पत्नी अपनी माँ व पिता गोविंद सिंह के साथ चुरखी आ रहा था, मुसमरिया मोड़ के पास इन लोगों की आपस में मारपीट हुई है। सूचना पर थानाध्यक्ष चुरखी तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़िता को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। यद्यपि पीड़िता द्वारा प्रकरण में गंभीर प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं, जिसकी गहनतापूर्वक जाँच की जा रही है। पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर कानपुर से है, जहां सड़क किनारे लगी अवैध दुकानों पर नगर निगम की टीम द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया है। वहीं किदवई नगर की 40 दुकानें सड़क के किनारे लगी हैं। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया गया है। मौके पर नगर निगम टीम के साथ एसपी बाबू पुरवा और एसपी ट्रैफिक मौजूद रहा। जी, ये किदवई नगर चौराहे से लेकर के आगे बाईपास तक ये आज अभियान का दिन है, और इसमें संयुक्त रूप से हमारे स्थानीय पुलिस है, हमारे डीसीबी मैम है, और इनको कई बार अतिक्रमणकारियों को कई बार हिदायत भी दी गई, लेकिन ये कई बार हिदायत देने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, तो विवश होकर के हम लोगों को फिर आज यहाँ आना पड़ा है, और जिससे कि ये रोड जाम की स्थिति इसी अस्थायी अतिक्रमण की वजह से होता है। चूंकि अस्थायी अतिक्रमण है तो इसको तत्काल हटा दिया जाता है। हाँ, जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है, और बाकी जो भी डेट्स हैं उस सभी में इसी तरीके की कार्रवाई निरंतर करते रहेंगे हम लोग। जी जी नहीं, देखिए पब्लिक थोड़ा सा करती है, लेकिन ये तो स्वाभाविक बात है, लेकिन ये पब्लिक के लिए हित में है, पब्लिक के हित में ही है। ये देखिए उसके लिए है कि एक बार अतिक्रमण हटा दिया तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, तो फिर आगे उसको नहीं होने देंगे। देखिए नगर निगम की टीम प्लस स्थानीय थाना और यातायात टीम के संयुक्त टीम के माध्यम से
किदवई नगर में एक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम की टीम के द्वारा इनको चलानी कार्रवाई भी की जा रही है और भविष्य के लिए हिदायत भी दिया जा रहा है कि दोबारा अतिक्रमण ना करें। पूरे शहर में ये अभियान चलाए जा रहे हैं और उनको हिदायत किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना करें। नगर निगम चलान की कार्रवाई करती है, इन लोगों को पर्ची दी जा रही है जिसमें चलानी वो कर रहे हैं। अगली खबर इंदौर से है, जहां एक महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई है। बता दें कि फर्जी अधिकारी बनकर महिला को 3 दिनों तक डिजिटल रखा। अपराधियों ने महिला से अपने खाते में 1,60,00,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। महिला के साथ हुई ठगी की शिकायत अब महिला ने साइबर सेल थाने में दर्ज कराई है। एक महिला फरियादी है जिनके साथ में डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई है। इंदौर की ही निवासी हैं, जिनको डिजिटल अरेस्ट के लिए पहले नॉर्मल कॉल आया। नॉर्मल कॉल आने के बाद में फिर उनको व्हाट्सएप पे कॉल किया गया और व्हाट्सएप के बाद में उनको, जो कि ट्रेंड है, स्काइप डाउनलोड कराया गया। स्काइप डाउनलोड कराने के बाद में उनको फर्जी पुलिस अधिकारी बन के बताया गया कि नरेश गोयल के साथ में, नरेश गोयल जो जेट उसके थे, उनके साथ में जो इलीगल ट्रांजेक्शन हुए उसमें उनका नाम आया है और उस तरीके से उनको डरा धमका के उनके पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कराया। कितना अमाउंट कराया है सर? अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें लगभग 1,60,00,000 रुपए की राशि सामने आई। सर कितने दिन इनको डिजिटल अरेस्ट किया? ये शुरुआत हुई थी 9 तारीख से और इनको कंटिन्यू जब तक उनका पूरा पैसा खत्म नहीं होगा तब तक डिजिटल अरेस्ट में। लगभग परिवार के पास नहीं गई थी सोचने के लिए? वो कंटिन्यू लोगों के कांटेक्ट में थी पर वो किसी को बता नहीं पाई। पहले जो नॉर्मल कॉल आए थे उन पे क्या बोला भैया? उनको नॉर्मल कॉल आए थे तो वो जो उनका एक ट्रेंड है कि शुरुआत में यही बताते हैं कि या तो इनलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है किसी अकाउंट्स में या फिर कोई ड्रग्स पकड़ा गया है, फेडेक्स के पार्सल में कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो डिजिटल अरेस्ट का एक ट्रेंड बना के रखा कि ये 3-4 चीज़ों में होता है, उसमें से इनको बताया गया था कि इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है। महिला का मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आ रही है? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, पर वो चूँकि सीधे साधे लोगों को इस तरीके से बरगला देते हैं, अपनी बातों के झांसे में ले लेते हैं, उसी तरीके से घटना। एडवाइजरी जारी हुई होती है उससे जागरूक नहीं थी वो, एक्चुअली घरेलू महिला हैं तो ज़्यादा बोले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हैं, व्हाट्सएप पे मैं नहीं हूँ तो इस कारण उनको जानकारी नहीं थी। सर एफडी कितने की लगभग 1 करोड़ की एफडी करवाई है, फिर बाकी चीज़ें भी जो हैं लिक्विडेट करी। वो है, हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सब तरफ मेल करके उसको रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला का क्या पेशा सर, क्या करती हैं? वो हाउस वाइफ हैं और शेयर मार्केट में थोड़ा इन्वेस्ट करती हैं, शेयर मार्केट का काम करती हैं। इसमें क्या सर आपकी कोई जांच या कोई गिरफ्तारी की हुई है कुछ? अभी शुरुआती स्टेज पे है और अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से ट्रांजेक्शन हुए हैं, बॉम्बे भी है और बाकी जगहों पे भी, बैंक्स का पूरा लेके डिटेल उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं।